हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES के बारे में, जिसका कि पीआरटी पोस्ट का, पीआरटी म्यूजिक पोस्ट का और प्रिपरेटरी हमारी जो टीचर पोस्ट का, इन तीनों का ही जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट थी AEES ने, यानी कि कल 1 जुलाई को शाम को जारी कर दी गई है। आई होप आप सभी ने अपनी लिस्ट को जरूर देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पिंड कमेंट है वहां से जाकर, मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप लिस्ट को देख सकते हैं। जितने बच्चे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बच्चे शॉर्ट आउट नहीं हो पाए हैं, शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए हैं, वो बच्चे निराश ना हो, क्योंकि एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, यह सभी टीचर आपको समझाते हैं। तो इसीलिए तैयारी करिए, आने वाला जो एग्जाम है हमारा बिहार में, बिहार टीचर का, और DSSSB की वैकेंसी भी आने वाली है। आई होप शायद कि हमारी सुपर टेट की भी वैकेंसी आएगी, इसलिए आप तैयारी को बिल्कुल भी लूज मत करिए, अच्छे से तैयारी को करिए। लेकिन जैसे ही स्किल टेस्ट के बारे में AEES ने बताया, उसी के साथ में उसने गाइडलाइंस भी बता दी है कि ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को जरूर हर कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो फॉलो करे। वो गाइडलाइंस क्या है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने पहले से ही आपको बताया था, आपका जो रेजिडेंस है कहीं पर भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो केवल और केवल होगा आपका AEES का सेंट्रल ऑफिस, जो कि है हमारा अनुशक्ति नगर मुंबई में, यहीं पर प्रत्येक कैंडिडेट का स्किल टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। तो हमारा वेन्यू कहाँ होने वाला है, अनुशक्ति नगर। आप लिस्ट को, जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के रिगार्डिंग जो भी लिस्ट जारी करी गई है AEES के द्वारा, चाहे वो पीआरटी लेवल की हो, पीआरटी म्यूजिक हो, प्रिपरेटरी टीचर, तीनों की लिस्ट मैं टेलीग्राम पर अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप मेरे टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट से वहां से जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात है जो कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, सबको, आप लोगों को पता भी होगा, जो स्किल टेस्ट है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे भले ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस स्किल टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही तो आपको वहीं से ही बाहर कर दिया जाएगा। KVS की तरह इसमें मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। अगर स्किल टेस्ट आपका अच्छा तो आपका सिलेक्शन पक्का, अगर स्किल टेस्ट आपका खराब हुआ तो आपका वहीं से वापस कर दिया जाएगा। इसी को कहा गया है गो नो गो बेसिस। थर्ड हम बात करें कि जिस दिन आपकी डेट दी गई है स्किल टेस्ट की, आपको उस दिन पहुंचना है और 8 AM से पहले पहले पहुंचना है, मतलब कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है वो 8 AM होने वाला है, और रिपोर्टिंग टाइम से लगभग जो भी टाइम आपको दिया है 1 से 2 आवर पहले ही आपको अपने सेंट्रल ऑफिस में AEES के पहुंच जाना है। नेक्स्ट बात करें, आप अपने साथ लेकर क्या जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बना दी है, मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो और भी बना दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ में आपको अटेस्टेड कॉपी भी अपने साथ में लेकर जानी, मतलब ओरिजिनल तो आपको लेकर जाने ही है सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन साथ में आपको अटेस्टेड कॉपी भी लेकर जानी है। दोनों ही चीजें आपको साथ में लेकर जानी है। साथ में आपको ओरिजिनल गवर्नमेंट की आईडी, ओरिजिनल गवर्नमेंट की आईडी में जैसे हमारा आधार कार्ड या फिर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह में कोई भी आप अपनी गवर्नमेंट आईडी की ओरिजिनल लेकर जा सकते हैं अपने साथ में। नेक्स्ट बात करें तो आपको अपने साथ में 2 रिसेंट कलर फोटो भी अपने साथ में लेकर जानी है, 2 रिसेंट कलर फोटो। नेक्स्ट बात जो कि मैंने आपको पहले से ही बताया है कि आप PVC पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, क्योंकि इसको बनाने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। अब बताइए जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका हमारा जो स्किल टेस्ट है वो पहले कंडक्ट होगा, अब उनके पास समय कम बचा है, अगर उनने PVC के लिए अप्लाई नहीं किया है तो बताइए उनके पास ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आ पाएगा। इसलिए अभी देर ना करिए, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर आप PVC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टेट में इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी
प्रोवाइड की गई है, तो आपको पीवीसी की ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ में लेकर जानी है। नेक्स्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, इस गाइडलाइंस जो जारी की गई है वो कहा गया है जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो हमारा मैक्सिमम 30 मिनट का होगा। मतलब आपको यह समझ के रखना है कि मैक्सिमम आपको 30 मिनट दिए जाएंगे प्रत्येक कैंडिडेट को जिसमें आपको टॉपिक को प्रेजेंट करना है। अब हम समझते हैं वो 30 मिनट को किस हिसाब से बांटा गया है। तो पहला जो 20 मिनट का सेक्शन होगा उसमें आप लोग जो वहां पर AEEE पर जाएंगे आप सेंट्रल ऑफिस में, एक टॉपिक को आपको वहां पर दिया जाएगा और जो आप घर से प्रिपेयर करके गए जाए होंगे या होंगे वो टॉपिक, मतलब जो वहां पर आप पिक्ड करेंगे उसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए, और उसी के 10 मिनट बाद लास्ट में आपको सेल्फ चॉइस जो आप लोग घर से प्रिपेयर करके गए होंगे। तो ये 30 मिनट 20 और 10 मिनट में बटा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करें, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको केवल घर से एक ही टॉपिक प्रिपेयर करके गए हैं, आपको सभी सब्जेक्ट में से एक एक दो दो टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। जैसे हमारे इंग्लिश में भी आप एक दो टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं, ईवीएस में, लेकिन आपको एनसीईआरटी की ही बुक से प्रिपेयर करना है। टॉपिक आप कौन कौन से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी क्लास की बुक से, तो इसके लिए चैनल पर वीडियो प्रोवाइड है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर दी है आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर उसको देख लीजिए और स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट बात करें, जब आप उस दिन जाएंगे जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा, जो वहां पर टॉपिक दिया जाएगा, इसको गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जब आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होने वाला होगा उसके 30 मिनट पहले आपको ले जाया जाएगा। एक इनवलप में कई सारे टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक को पिक करना है। एक टॉपिक को आपको पिक करेंगे, सपोज कर लीजिए आपको वह टॉपिक नहीं पसंद आता है आपको, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा, मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आपको टॉपिक नहीं पसंद आता है तो आप दोबारा से इनवलप में सेकेंड टॉपिक को पिक करेंगे, वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना होगा, लेकिन दो चांसेस के बाद आपको थर्ड चांस नहीं दिया जाएगा, यह बात आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। जैसे ही आप टॉपिक को पिक कर लेंगे उसके बाद में आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन 30 मिनट बाद आपका होगा। तो आपको ऐसे अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है कि आप समझ सकते हैं केवल 30 मिनट में आपको अपना प्रेजेंटेशन रेडी करना है, जो भी टॉपिक वहां पर रैंडम आ सकता है, इसलिए आप तैयारी को अच्छे से करिए। केवल एक अब हमारा एक हमारा स्टेप रह गया है, वो रह गया है स्किल टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जितने भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं आप स्किल टेस्ट में एकदम फोड़ कर आएंगे और आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे जो गाइडलाइंस AEEE PRT के लिए और PRT म्यूजिक के लिए और हमारे जो भी हमारे प्रिपरेटरी टीचर, तीनों के लिए अलग अलग गाइडेंस को जारी किया गया है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका AEEE एग्जाम ही सब कुछ डिसाइड करता तो बाकी एग्जाम फिर क्यों कराए जाते। इसलिए अगर आपको सबसे पहले टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग अपडेट या न्यूज चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, और इस चैनल पर अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आप लोग के लिए वीडियो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।